हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ यूटीएस एप्लीकेशन से जनरल टिकट कैसे बुकिंग करते हैं। यहाँ पे हम आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। ये जो एप्लीकेशन है इंडियन रेलवे का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से आप जनरल टिकट बुकिंग कर पाएंगे। आपको रेलवे स्टेशन पर जाके लाइन लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, यहाँ पर हम आपको जनरल टिकट बुकिंग करने का कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें। इसी तरह हम आपके लिए टैक्स से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जनरल टिकट बुकिंग करने के लिए आपको UTS एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो चलिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करना होगा सबसे पहले, और अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिए हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्टर्ड, आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम फिल कर देना है, और यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड। जो भी पासवर्ड रहेगा, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल करेक्टर, अपर केस, लोअर केस, फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल हैं या फीमेल। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम OTP को फिल कर देते हैं। फ्रेंड्स, OTP मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद सबमिट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जनरल टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको UTS एप्लीकेशन को लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको इस चेकबॉक्स को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका UTS एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा UTS एप्लीकेशन लॉगिन हो गया है। UTS एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। नॉर्मल बुकिंग कर सकते हैं, क्विक बुकिंग कर सकते हैं, और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग आप यहाँ पे कर पाएंगे, सेशन बुकिंग और QR बुकिंग है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कैंसिल टिकट आप यहाँ पे कर पाएंगे, और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बुकिंग हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो टिकट आप यहां पे कर पाएंगे, री वॉलेट है, और यहां पे आप अपना वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं, और वॉलेट का बैलेंस भी आप यहां पे चेक कर सकते हैं। यहां पे आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे आप अपना ट्रांजैक्शन वगैरह देख सकते हैं। यहां पे मैं आपको जनरल टिकट बुकिंग करने का लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। आपको रेलवे स्टेशन पर लाइन लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल बुकिंग को सेलेक्ट कर लेना है। नॉर्मल बुकिंग में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बुकिंग एंड ट्रेवल पेपरलेस, और सेकंड में है बुकिंग एंड प्रिंट पेपर। तो पहला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 किलोमीटर के अंदर में रहकर आपको टिकट बुकिंग करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है। तो रेलवे स्टेशन से यहाँ पे हम 5 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा टिकट नहीं बुक हो पा रहा है। अगर हम रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर के अंदर में रहते तो हमारा टिकट यहाँ पे बुक हो जाता। बस बेनिफिट ये है कि आपका यहाँ पे जो भी टिकट रहेगा पेपरलेस रहेगा, बस मोबाइल में आपको टिकट दिखाना है तो आपका टिकट यहाँ पे वैलिड माना जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से हमारा टिकट नहीं बुक हो पा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बुक एंड प्रिंट पेपर। तो इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका टिकट रहेगा उसको प्रिंट करना होगा। इस ऑप्शन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। स्टेशन चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड, स्टेशन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और नेक्स्ट यहाँ पे आप कहाँ तक जाएंगे उसको भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पे मैं इसको भी सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जर्नी डिटेल्स देना होगा। जर्नी डिटेल्स में सबसे पहले अबाउट पूछ रहा है। अबाउट में आप कितना पैसेंजर जर्नी करना चाहते हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, 1, 2, 3, 4। तो चलिए यहाँ पे मैं 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आपके पास बच्चे हैं
तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है 1, 2, 3, 4। तो चलिए यहाँ पे हम 0 रहने देते हैं। इसके बाद टिकट टाइप पूछ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप रिटर्न टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। रिटर्न टिकट नहीं करना चाहते हैं तो आपको जर्नी जे को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन टाइप पूछ रहा है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मेल एक्सप्रेस और सुपर फास्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सुपर फास्ट से जर्नी करना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम सुपर फास्ट को सेलेक्ट कर लिया। और नेक्स्ट यहाँ पे क्लास में आपको यहाँ पे सेकंड टाइप देखने को मिल रहा है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है पेमेंट टाइप, चलिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है री वॉलेट, आप यहाँ पे रेलवे वॉलेट के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है पे यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू आप पेमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। तो चलिए ये लास्ट वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको गेट फेयर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको टिकट समरी देखने को मिल जाता है। टिकट समरी में आप यहाँ पे स्टेशन देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक जाना है। और नेक्स्ट यहाँ पे अबाउट देख सकते हैं 1 पैसेंजर, और यहाँ पे क्लास टाइप में सेकंड है। इसके बाद टिकट टाइप में यहाँ पे आप जर्नी देख सकते हैं, और ट्रेन टाइप में यहाँ पे सुपर फास्ट मैंने सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पे मेल एक्सप्रेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और टोटल फीस यहाँ पे 45 रुपये लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे बुक टिकट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पेमेंट ऑप्शन में सबसे पहले पेटीएम है, और सेकंड में मूवी क्विक है, और थर्ड में यहाँ पे फ्री चार्ज है। तो चलिए यहाँ पे हम पेटीएम को सेलेक्ट कर लेते हैं। पेटीएम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं मेक पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना पेटीएम नंबर इंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पेटीएम नंबर इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेटीएम नंबर मैंने इंटर कर दिया है। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे मैंने क्लिक कर दिया, मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम OTP को इंटर कर देते हैं। फ्रेंड्स OTP इंटर कर दिया, इसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पेटीएम में जो भी आपका कार्ड ऐड है और बैंक ऐड है यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम अपने SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो आपको यहाँ पे अपना CVV नंबर इंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना CVV नंबर इंटर कर देता हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद आपको पे पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP अब आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। चलिए यहाँ पे हम OTP को इंटर कर देते हैं फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे हम पे पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मैं पे पे क्लिक कर दिया हूँ। पे पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल टिकट हमारा सक्सेसफुल बुक हो चुका है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन से टिकट बुक करते हैं तो आपको इस तरीके से प्रिंट निकालना होगा काउंटर से जा करके, नहीं तो आप ATBM मशीन से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें सेकंड वाला ऑप्शन ठीक नहीं लगा, जो पेपर लेस प्रोसेस था उस प्रोसेस को आप अपना करके टिकट बुक कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस रहेगा, बट आप 5 किलोमीटर के अंदर में रह करके आप टिकट बुक करिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा चलिए यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे रूट ऐड सक्सेसफुल हो चुका है। और इसके बाद लेटर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। और इस टिकट को अगर आपको कैंसिल करना है तो यहाँ पे लिखा गया है कैंसिल टिकट। तो चलिए यहाँ पे हम कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम कैंसिल करना चाहते हैं इस टिकट को, यहाँ पे कैंसिल टिकट पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। और इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और ओके पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा अमाउंट रिफंड होगा सिर्फ 15 रुपये रिफंड होगा। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर दिया हूँ, और ये 15 रुपये हमारे खाते में आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप सेकंड वाले ऑप्शन को ना सेलेक्ट करिएगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके ही टिकट बुक करिएगा। सेकंड वाला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जाकर के काउंटर से प्रिंट लेना होगा, नहीं तो आप ATBM मशीन से प्रिंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और 5 किलोमीटर के अंदर में रह करके आपको टिकट बुक करना है। तो इस तरीके से आप अपना जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो कर दीजिए लाइक। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, चैनल से आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और गाइस नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं।